भागलपुर से लोकमान्य तिलक के बीच ट्रेन को मिल चुकी है हरी झंडी, जिसका परिचालन आपको 2 फरवरी से देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको इस ट्रेन की नई टाइम टेबल और उससे जुड़ी पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रेलवे बोर्ड ने मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए भागलपुर से आखिरकार लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन रेलवे बोर्ड के द्वारा संबंधित सभी स्टेशन पर होकर के इसका परिचालन देखने को मिलेगा और मुंबई जाने वाली सभी ट्रेन फिलहाल हाउसफुल चल रही है। ऐसे में भागलपुर से लोकमान्य तिलक के लिए इस ट्रेन का परिचालन शुरू होना बिल्कुल अच्छी खबर है। यात्रियों के लिए इस ट्रेन का परिचालन नए नंबर से होगा, जिसका नंबर होगा 02335 और दूसरी दिशा में यह ट्रेन नंबर 02336 के साथ चलेगी। भागलपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाने का आदेश रेलवे बोर्ड ने दिया है और अप में भागलपुर की तरफ से ट्रेन संख्या 02335 मुंबई जाने के लिए ट्रेन आरा में दोपहर 2:40 पर आएगी और 2:45 पर खुल जाएगी। 5 मिनट का ठहराव आरा रेलवे स्टेशन पर दिया गया है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को चलेगी। वहीं इसका परिचालन 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। ट्रेन नंबर 02336 लोकमान्य तिलक टर्मिनल भागलपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन दूसरी दिशा में गुरुवार, रविवार और मंगलवार को चलेगी आरा होकर के। इसका परिचालन रेलवे बोर्ड ने 4 फरवरी से शुरू किया है। दूसरी दिशा में मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए और मुंबई से आने वाले यात्रियों के लिए यह स्पेशल ट्रेन की परिचालन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सभी श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। जनरल से लेकर के एसी, थर्ड टायर, सेकंड टायर तक सुविधा आपको इस ट्रेन में मिलने वाली है, जिसमें कि आपको 22 कोचों का एक रैक दिया जाएगा, जो कि सप्ताह में यह ट्रेन 3 दिन चलेगी। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इस ट्रेन के अलावे कुछ और भी जानकारी सामने निकल के आने वाली है और उसका अपडेट हम नए वीडियो में आपको देंगे।